धीरे धीरे लगाऊंगा। इसके ऊपर रखेंगे ऐसा, और ये पेशकश की मदद से छोटा वाला स्क्रू ले लीजिएगा, और इसकी मदद से इसमें ये धागा डालें। सही हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हुसैन अहमद, और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्यूबिक होम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि निक्रोल पर डेकोरेशन कैसे होता है। ये एक सादा सा निक्रोल है, ये छोटा मुतका, बेबी मुतका है ये। इस पर हम ये फूलों से डेकोरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये डेकोरेशन आप किस तरीके से करते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इसके लिए हमें ये फूल की ज़रूरत है, और ये ग्लूगन का स्टिक है, इसका ज़रूरत है, और ये ग्लूगन है। तो हम इस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आप खुद अपने घर में कैसे करते हैं। खाम खा आप अपने पैसे को ज़ाया मत करें, और कभी कभी अपना काम जो है ना खुद किया करें। मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम अपने काम का आगाज़ करेंगे, और आप भी जब कोई काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े। ये फूल मैंने मार्केट से ली है, बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं, और ये पैकेट भी मेरे ख्याल में 80 रुपये में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक फूल उठाया यहाँ से, और इस पर इसके बैक साइड पर थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगा, और अभी मैं सेंटर से शुरू करूंगा। ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये जो लाइन है ना, तो इसकी बिल्कुल ऊपर वाली साइड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, मैंने इधर एक फूल लगाया, अभी एक इधर लगाऊंगा। इस तरीके से मैं ये जो है ना इधर मैंने लगाए, ये इधर भी लगाऊंगा। अच्छा, इधर तो लग गए हैं, अभी इधर भी लगाऊंगा। अच्छा, तो अभी इसके बाद हमने इधर ये डेकोरेशन पीस, कुछ और भी मैंने टसल लगाए थे, ये कुछ टसल मुझे बाज़ार में मिले थे, तो ये अच्छे लगे मुझे, तो ये टसल भी लगाऊंगा अभी। अभी इधर जो हमने ये डोरी लगाया है ना, जिससे हमने ये नेफे में डोरी डाला था, और हमने इसको चुनट दिया, तो ये अभी धागा ले लेंगे, और ये पेशकश के ज़रिए जो है ना ये सुराख में निकालेंगे इस तरह, ठीक है। इस सुराख में हमने इस धागे को निकाला। अभी ये दूसरा वाला धागा लेकर ना, इसमें ये वाला, ये पिंक वाला जो है, क्योंकि पिंक हमने दो लगाने हैं, तो ये इसके ऊपर रखेंगे ऐसा, और ये पेशकश की मदद से छोटा वाला स्क्रू ले लीजिएगा, और इसकी मदद से इसमें ये धागा डालें इस तरीके से। सही हो गया ये। अभी हम इस धागे को एक बल दे देंगे, ठीक है, एक बल दे दिया। अभी इसमें एक और पिंक ये टसल डालेंगे,
अभी इसको आपस में बल दे देंगे ताकि ये वापस को लेना। सही हो गया। अभी ये दाग नजर आ रहा है ना, इसको कैसे छुपाएंगे? ये पेशकश ले लेंगे, ये दागा छुपाएंगे हम इसमें ताकि ये दागा बाहर नजर नहीं आना चाहिए। तो लीजिए इस तरफ भी और इस तरफ भी दो पिंक कलर और एक ग्रीन कलर मैंने लगाया। सही हो गया। तो ये एक रेडी हो गया है। अभी इस तरीके से सेम टू सेम हम ये दूसरा वाला भी करेंगे। तो लो जी, हमारे निक्के छोटे छोटे मुतक्के तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने डेकोरेट किया, ये आपके सामने किया। इस पर बहुत कम वक्त लगा और बहुत कम खर्चे में हमने इसको डेकोरेट किया। इंशाल्लाह अभी आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए खुद ऐसे मुतक्के डेकोरेट करेंगे और हमें दुआएं देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह फ़मान।